पीर हैं, फकीर हैं, खुदा के नेक बंदों में शरीक हैं, इसलिए सबके बड़े अजीज़ हैं। आप सभी को गोरखपुर न्यूज़ परिवार की तरफ से ईद मुबारक। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर में ईद पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। जिलाधिकारी ने कहा, सभी मस्जिदों पर सुरक्षा व्यवस्था का किया गया है कड़ा इंतजाम। मस्जिदों पर साफ सफाई के लिए नगर निगम को किया गया है निर्देशित। फर्जी कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने वाले फर्जी अध्यापक को एसटीएफ गोरखपुर फील्ड इकाई ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 1600 रुपए नगद, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, दो मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। गैंगस्टर में वांछित व 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को बेलघाट पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में अभियुक्त हुआ घायल, जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। एक देसी कट्टा, एक खोखा कारतूस, एक मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। ट्रैफिक पुलिस व आरटीओ की संयुक्त टीम ने पैडलेगंज चौराहे पर खड़े डग्गा मार बसों के खिलाफ चलाया अभियान। खड़ी डग्गा मार बसों का किया चालान व सीजर की कार्यवाही। जिले में चल रही गेहूं खरीद पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, गेहूं खरीद के लिए खोले गए 156 क्रय केंद्रों पर की जा रही है गेहूं की खरीद। केंद्रों की लगातार अधिकारी कर रहे हैं मॉनिटरिंग। बरसात में जनपद में पानी लगने की समस्या पर सीएम योगी हुए सख्त। नगर निगम चलाएगा 4 मई से लेकर 20 मई तक विशेष नाला सफाई अभियान। नगर आयुक्त ने कहा, सभी 256 नालों की होगी तल्ली झाड़ साफ सफाई। गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में प्रथम राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा, पुरातन छात्र सम्मेलन जैसे श्रेष्ठ परंपरा को बनाए रखने की है आवश्यकता। सांसद आदर्श ग्राम योजना की सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, योजना के तहत चयनित गाँव को बनाया जाएगा मॉडल गाँव। दो मई से लेकर 12 मई तक चलने वाले सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तीसरे चरण का सीएमओ ने किया शुभारंभ। कहा, लगभग 4,230 टीमें, 24,000 बच्चों और 7,300 गर्भवती महिलाओं का करेगी टीकाकरण। सोमवार को सेंट्रल ड्यूज इंटर कॉलेज में सीसीटीवी की निगरानी में हाई स्कूल के गणित विषय की कॉपियों का किया गया मूल्यांकन। प्रधानाचार्य ने कहा, कॉपियों के मूल्यांकन के लिए 798 परीक्षक, 82 डिप्टी हेड की लगाई गई है ड्यूटी। और कोरोना महामारी के 2 साल के बाद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा ईद उल फितर का पर्व। चांद रात पर लोगों ने की जमकर खरीदारी। हजरत मुबारक खान शहीद दरगाह के इमाम मौलाना मनोवर रजा ने कहा, 3 मई को पूरी दुनिया में मनाई जाएगी ईद उल फितर का त्यौहार। अब खबरें विस्तार से। जनपद में ईद पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी पूरी हुई, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि ईद का पर्व मंगलवार को जिले में मनाया जाएगा, जिसको देखते हुए सभी आयोजकों से पुलिस लगातार संपर्क में है। इसके अलावा थानाध्यक्ष, अधिकारी, मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हैं और लगातार एरिया डोमिनेशन की गतिविधियाँ भी हो रही हैं। उन्होंने कहा, ईद को देखते हुए नगर निगम को सभी मस्जिदों पर साफ सफाई की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया है और सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों में व मस्जिदों के आसपास कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहां पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। आपसी समन्वय के साथ ईद को सकुशल संपन्न करवाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जैसे आप पूर्व में अवगत हैं कि सभी आयोजकों से
अक्षय तृतीय के लिए, ईद के लिए लगातार संपर्क में हैं हमारे थाना अध्यक्षगण, हमारे मजिस्ट्रेट्सगण, पूरे जिले की टीम भी संपर्क में है, लगातार भ्रमणशील है। अब लगातार एरिया डोमिनेशन की गतिविधियां भी हो रही हैं। नगर निगम के द्वारा अवस्थापनाओं के संबंध में जो कार्रवाई होनी है वो भी पूर्ण किए गए हैं और कड़े सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। समन्वय से, सभी के सहयोग से, सभी की प्रतिभागिता से सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। फर्जी कूट रचित दस्तावेज के आधार पर नौकरी करने वाले फर्जी अध्यापक विजय बहादुर यादव को देवरिया में 2 मई को एसटीएफ गोरखपुर फील्ड इकाई ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 1600 रुपए नकद, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, 2 मोबाइल मिला है। गिरफ्तार अभियुक्त विजय बहादुर यादव पुत्र राम धनीश यादव निवासी चेरिया पोस्ट भवापार थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर का रहने वाला है। विगत कुछ समय से बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी अध्यापकों में नियुक्ति के फर्जीवाड़ा की जांच के लिए उत्तर प्रदेश एसटीएफ को सूचना प्राप्त हुई थी। इसी क्रम में फर्जी कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने वाले फर्जी शिक्षक के संबंध में सूचना प्राप्त हो रही थी। उक्त सूचना के आधार पर एसटीएफ गोरखपुर फील्ड इकाई ने सूचना अतिरिक्त संकलन और कार्रवाई किया। एसटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक लाल प्रताप सिंह के पर्यवेक्षण तथा निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर सूचना के संकलन की कार्रवाई प्रारंभ किए हुए अपने व्यक्तिगत संसाधनों का प्रयोग करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया कार्यालय से संबंधित शिक्षकों के बारे में जानकारी हेतु संपर्क कर अभिलेख प्राप्त किया और जमीनी जानकारी प्राप्त किया। इसी क्रम में ज्ञात हुआ कि प्राथमिक विद्यालय भगवान माझा विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर जनपद देवरिया में एक व्यक्ति विजय बहादुर यादव पुत्र राम धनीश यादव नाम का व्यक्ति फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी कर रहा है। सूचना के क्रम में 2 मई को मुखबिर ने बताया कि फर्जी अध्यापक विजय बहादुर यादव प्राथमिक विद्यालय भगवान माझा गांव में मौजूद है। इस सूचना पर भगवान माझा प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर शाम को लगभग 3:45 बजे फर्जी अध्यापक विजय बहादुर यादव को एसटीएफ की टीम ने पकड़ लिया। गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना नाम विजय कुमार यादव पुत्र राम धनीश यादव निवासी ग्राम चिड़िया पोस्ट भवापार थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर बताया। कड़ाई से पूछने पर उसने बताया कि बीए में 1800 पूर्णांक में से उसका प्राप्तांक 748 है, लेकिन प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति के लिए मेरिट में आने के लिए उसे अधिक नंबर की आवश्यकता थी। तब वह और उसका भाई लाल बहादुर यादव ने फर्जी तरीके से फर्जी कूट रचित अंक पत्र में पूर्णांक 1800 में 1325 का अंक पत्र बनवा लिया। बीएड के बारे में पूछने पर बताया कि मैंने बीएड के अंक पत्र नहीं बनवाया है, मेरे बड़े भाई लाल बहादुर ने बीएड का अंक पत्र बनवाया था। लाल बहादुर यादव के बारे में पूछने पर बताया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। गिरफ्तार के विरुद्ध थाना जनपद देवरिया में मुकदमा अपराध संख्या 27/2022 धारा 419, 420, 467, 468, 471 IPC का अभियोग पंजीकृत करवाया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। बेलघाट पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 के इनामी अभियुक्त को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि थाना अध्यक्ष बेलघाट अपने टीम के साथ रात्रि में भ्रमणशील थे कि तभी मुखबिर की सूचना पर शातिर गैंगस्टर अपराधी जो कि 25,000 का थाना बड़हलगंज का गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित व इनामिया चल रहा था जो कि पशु तस्कर है, जिसको गिरफ्तार करने टीम आजमगढ़ मार्ग के पास पहुंची तभी वांछित अभियुक्त पुलिस बल पर फायरिंग करने लगा, जिस पर आत्मरक्षा में पुलिस बल की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त घायल हो गया, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसकी स्थिति सामान्य है। जिसके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बरामद किया गया है, जिसकी पहचान तौफीक अहमद उर्फ गुड्डू पुत्र जलालुद्दीन निवासी रानीगंज रजौड़ा थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बेलघाट थाना प्रभारी गौरव कन्नौजिया, वरिष्ठ उपनिरीक्षक विनय मिश्रा, उपनिरीक्षक रामजी गुप्ता, अजीत यादव, विपिन यादव, संग्राम यादव, अमरनाथ, अखंड प्रताप सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, ले चलो इलाज के लिए चलो फटाफट ले चलो। गाड़ी घुमाओ
कल रात्रि में बेलगाड़ थाना क्षेत्र में एक अभियुक्त को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, जिस पर कि अभियुक्त ने पुलिस पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त घायल हो गया। उसकी शिनाख्त तौफीक के रूप में हुई है, जो कि पशु तस्कर है और पूर्व से थाना बेलगाड़ व अन्य क्षेत्र से गौकशी में वांछित था और उस पर गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे भी वांछित था और 25,000 का इनाम घोषित था। इस अभियुक्त के पास से एक तमंचा और एक बाइक बरामद हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। बाइक यथासंभव चोरी की प्रतीत होती है। फिलहाल अभियुक्त को हिरासत में लेकर इलाज के लिए भेजा गया है और इसमें मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस व आरटीओ की संयुक्त टीम ने पैडलेगंज में खड़े डग्गा मार बसों के खिलाफ अभियान चलाकर सीज की कार्रवाई की, जिसके संबंध में अपर एसडीएम सदर अनुपम मिश्रा ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई थी कि पैडलेगंज चौकी से लेकर रुस्तमपुर चौकी तक ज्यादा अतिक्रमण हो गया है, जिस पर अवैध बस भी सवारी भरते हैं, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसको देखते हुए नगर निगम आरटीओ पुलिस विभाग के साथ मिलकर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल सके। इसके अलावा आरटीओ के माध्यम से डग्गामार बसों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कुछ बसों का चालान व कुछ बसों को सीज भी किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर एसडीएम सदर अनुपम मिश्रा और संभागीय परिवहन अधिकारी एसपी श्रीवास्तव ने कहा, इसमें शिकायत कई तरीके से प्राप्त हुई थी कि पैडलेगंज चौकी से लेकर रुस्तमपुर तक और आजाद चौक तक काफी अतिक्रमण है।
और इस पर कई तरीके से अवैध बस वाले भी खड़े करके और यहाँ पे जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसी के संबंध में आज ARTO पुलिस विभाग और नगर निगम के साथ एक अतिक्रमण को हटाने के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि जाम की समस्या से निजात दिलाई जा सके। हाँ, उन्हीं पे ARTO के माध्यम से उन पर कार्रवाई कराई जा रही है। ये पुल शासन और प्रशासन के निर्देश क्रम में SDM साहब हैं, SCO साहब हैं, सब लोग साहब जो है ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। इसमें जितने भी हैं डग्गा मार बसें हैं या जो और भी बसें हैं जो इनलीगल खड़े होते हैं बिना पार्किंग का स्थान पकड़े होते हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। जनपद में चल रही गेहूं खरीद पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि जिले में गेहूं खरीद के लिए 156 केंद्र खुले हैं, जिसके लिए किसानों से संपर्क किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्व टीम, ग्राम विकास की टीम, किसान सहायकों का भी सहयोग लिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा गेहूं खरीद केंद्रों का लगातार मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है कि जो मानक शासन के द्वारा दिया गया है उसके अनुरूप खरीदारी हो रही है या नहीं। मार्केट के गेहूं खरीद के दामों पर भी लगातार निगरानी की जा रही है। गेहूं खरीद के लिए किसानों की सुविधा के लिए गेहूं खरीद क्रय केंद्रों पर पानी की व्यवस्था की गई है। प्रयास है कि किसानों को गेहूं के उचित मूल्य मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा हमारे सभी 156 केंद्र खुले हैं, लगातार उसमें किसानों से संपर्क किया जा रहा है। राजस्व टीम और ग्राम विकास की टीम में इसमें मोबिलाइजेशन में हमने सहयोग लिया है, किसान सहायकों को भी यूज़ किया है। प्रतिदिन केंद्रों पर मॉनिटरिंग भी हो रही है कि कितनी खरीद हो रही है, लक्ष्य सापेक्ष प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है, और मार्केट के दाम पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। और सारी अवस्थापनाएँ जैसे बोरें, पीने के पानी की सुविधा, किसानों की सुविधाओं के लिए जो अवस्थापनाएँ सब संतृप्त किए गए हैं। लगातार हम लोग भ्रमण भी कर रहे हैं, कोशिश ये है कि किसानों को अपने उपज के लिए उचित मूल्य मिले। नगर निगम के नवीन भवन में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह की अध्यक्षता में 4 मई से लेकर 20 मई तक चलने वाले नाला सफाई अभियान के संबंध में बैठक आयोजित की गई, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम सीमा के अंदर जितने भी छोटे से बड़े नाले हैं उनकी सफाई का कार्य 21 मार्च से प्रारंभ किया गया था। नगर निगम के अंतर्गत 13 बड़े नाले, 116 मझोले नाले और 117 छोटी वाली नालियां हैं। कुल 256 नाले हैं जो 5 जोन में बटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में निर्देशित किया गया है कि तेजी के साथ नालों की तल्ली झाड़ साफ सफाई का कार्य किया जाए। उन्होंने बताया कि 4 मई से 20 मई तक विशेष नाला सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसमें सभी जोनल ऑफिसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर व अपने अपने क्षेत्र के पार्षद से भी मीटिंग कर छोटे से बड़े नालों का सफाई पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है कि इस बरसात में जनपद में पानी लगने की समस्या न आने पाए। इस बैठक में अपर नगर आयुक्त RB सिंह, उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला, मुख्य अभियंता सुरेश चंद, नगर स्वास्थ्य अधिकारी मुकेश कुमार रस्तोगी, सहायक नगर आयुक्त अविनाश प्रताप सिंह सहित समस्त जोनल अधिकारी एवं जोनल सैनिटरी अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा पांच की एक बार बैठक आने करनी है तो भाई जनरल अफसर साहब आप भी थोड़ा सा बातचीत करना है। तो बारी पूछ लो, जैसे अभी हम ऐसे पूछे कि दोनों लोग आए थे मेरे चैम्बर में बैठे हुए थे, हमने कहा बैठे रहिए अभी हम आ रहे हैं। छोटू सिंह के क्षेत्र में आपने पूरा देखा ही हुआ है, पूरा डॉक्टर सिंह क्ले, राप्ती नगर, ये सब। इसके बाद आपका वाला क्षेत्र बनेगा बसारतपुर वाला, राजेश तिवारी जी का क्षेत्र हो गया, पूरा वो हो गया। फिर उधर आप जाओगे वो जो गिरजेश पाल हैं उनका पूरा क्षेत्र हो गया। तो उसमें क्या किया, घूम तो लिया, हुआ क्या? हमको वो चाहिए ना, कि घूमना थोड़ी ना करना है। अभी तो उसमें 40-40% अभी काम हो पाया, पूरा करना पड़ेगा। तो भाई आपने कोई अपनी लिस्ट बनाई है अपने, जैसे कुछ तो चीज़ें डॉक्टर साहब और टीप साहब ने अपनी एक बना दिया, लेकिन क्या आपने अपनी तरफ से अपने दिमाग में कोई चेक कर रखा, कोई स्ट्रेटजी बनाई है? देखिए पिछली बार मैं देखता, मैं बार बार कह रहा, पिछली बार आप भी थे, डॉक्टर साहब हैं, लेकिन कितने लोग नाले पे खड़े हो रहे हैं, मैं बराबर इस बात को वॉच कर रहा हूँ, समझ में बिल्कुल भी अभी सेटिस्फैक्ट्री। तो नाले पे खड़े होना है और नाले पे मशीनें लगे, आपके लड़के जो लगाए हैं नाला गैंग वाले, इमरजेंसी गैंग वाले, वो नाले के अंदर दिखने चाहिए जैसे पिछली बार हुआ था। अब की बार वो चीज़ नहीं हो पा रही है,
पिछली बार आपने चारगावा में जितनी तोड़फोड़ किया था सर, दोनों जो नाला कहीं से कोई शक्ति नगर से पुलिया से जो अंदर नहीं वहाँ से चल रहा है अभी तो दो दिन तो कितने दिन अभी लगता है? दो दिन सर ज्यादा ज्यादा काम खिंचा लिए क्योंकि जो नाव वाला गया है वो एक एक आदमी यहाँ रहा उनकी है नाव कहा गया था तो मैं सुबह से कर रहा हूँ कुछ वार्ड वालों को भी सम्मिलित कर लीजिए अब वो नहीं करेंगे तभी हम कर लेंगे। तो आप कितने बचा है, कितने परसेंट काम हुआ है, कितने परसेंट बचा है? ठीक है तो उसको पूरा खत्म कर लीजिए। कितने लोग लगाए आपने वहाँ पे? सर एक टीम लगाया है, एक टीम हो गई। उसके बाद दूसरी वाली वहाँ पे लगे बाद कहाँ? जैसा कि आपके संज्ञान में है 21 तारीख से 21 मार्च से पूरे गोरखपुर नगर निगम सीमा के भीतर जितने भी नाले हैं उन सबकी तली झाड़ सफाई का कार्य प्रारंभ किया गया था। गोरखपुर नगर निगम के अंतर्गत 13 बड़े नाले, 116 मझोले नाले और 117 जो है वो छोटी वाली नालियां हैं। कह सकते हैं कि कुल मिलाकर लगभग 256 नाले हमारे पास हैं जो पांचों जोन में बटे हुए हैं। और अब तक अभी आपने देखा कि जो हमारा सबसे बड़ा नाला है गुड़धैया नाला, जिसका कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसकी सफाई का खुद स्वयं निरीक्षण किया था, वो 80% उसमें सफाई काम पूरा हो गया है 20% के लिए। इसके अलावा जो हमारे अन्य जो नाले अभी बचे हुए हैं, क्योंकि आज 2 तारीख है तो सबको बताया गया कि आप लोग जो है तेज़ी के साथ नालों की तली झाड़ सफाई का काम प्रारंभ करें और इस वक्त अब सारा फोकस नालों की सफाई पे लगा दें। और इसके लिए हम लोगों ने ईद के बाद कल से ही, कल के ईद है, ईद के ठीक बाद से 4 तारीख से लेकर अगले 20 तारीख तक के लिए हम लोगों ने एक विशेष महाअभियान नालों की तड़ाई तली झाड़ सफाई के संबंध में चलाने का फैसला लिया है और सभी को इसी के संबंध में सेंसिटाइज करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। और ये भी कहा गया है कि सभी हमारे जितने भी जोनल ऑफिसर हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, वो अपने अपने जोन के अपने अपने क्षेत्र के संबंधित जो हमारे सम्मानित पार्षद जी हैं उनसे भी डिस्कस कर लें, कहीं उनसे भी पूछ लें कि कहीं आपके कोई ऐसा नाला छूट तो नहीं रहा है, कहीं कोई ऐसे ही नाली या मझोला नाला छूट तो नहीं गया है, तो उनसे भी जानकारी कर लें। और इसका सबका उद्देश्य यही है कि 15 से 20 मई के बीचों बीच हमारे पूरे नाले जो हैं अच्छी तरीके से तली झाड़ सफाई हो जाए, जिससे कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है कि इस बार किसी भी हालत में गोरखपुर में जल प्लावन नहीं होना चाहिए, उसका हम 100% अनुपालन सुनिश्चित कर सकें। गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में प्रथम राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर रूसी राम महानंदा ने किया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए प्रोफेसर माता प्रसाद पांडे ने कहा कि हमारी मातृ संस्था का हमारे जीवन के सृजन में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। मातृ संस्था ही हमारे संपूर्ण जीवन दृष्टि का निर्माता होती है। यहाँ हमारे सामने 4 दशकों के छात्र बैठे हैं जिनमें तमाम भिन्नता है, लेकिन इनमें दशकों के अंतर को खत्म करने का काम आज कोई कर रहा है तो इस संस्था द्वारा दिया गया ज्ञान ही है। आप ज्ञान अर्जित कर एक उत्कृष्ट समाज का निर्माण कीजिए। उन्होंने पुरातन छात्र सम्मेलन जैसे इस श्रेष्ठ परंपरा को आगे भी जीवंत बनाए रखने का सुझाव दिया। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक संजय सिंह, डॉक्टर अमित कुमार उपाध्याय, प्रोफेसर गोपाल प्रसाद, प्रोफेसर विनीता पाठक, प्रोफेसर दिग्विजय नाथ पांडे, डॉक्टर निशा जायसवाल, डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर सुधीर शुक्ला, डॉक्टर अविनाश प्रताप सिंह, प्रीति त्रिपाठी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग के अध्यक्ष ऋषि राम महानंदा ने कहा, बहुत विनम्र करते हुए हमारे कुल के मुखिया माननीय कुलपति जी को आमंत्रित करता हूँ या आशीर्वचन स्वरूप कुछ शब्द हमारे बाहर से आए हुए जो अतिथि हैं जो है क्या लोग हमारे साथ आए हुए वशिष्ठ अतिथि गोपाल प्रसाद जी, राजेश जी, अनिता पाठक, निशा जायसवाल जी, हमारे आए हुए अलुमनाई
दिग्विजय पांडे जी प्रधानाचार्य नेहरू पी जी कॉलेज भारत में श्री कृष्ण जवाहर सिंह जी संजय सिंह जी के पाठक जी अनु पांडे जी सुधीर शुक्ला जी मधुसूदन जी अविनाश जी संत पाठक में आ पाया। ये कुछ पाठक हैं हिंदी पॉलिटिकल साइंस संस्कृत सोशियोलॉजी आर्ट्स के बेसिक डिपार्टमेंट लगभग हर जगह ये मिलेंगे आपको हर यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। ये डिपार्टमेंट की स्पेशल शोकेजन करना जरूरी है। हम लोग ने एक जैसे हमारे अपना जानते हुए हम लोग ने एक प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया था एक इलेक्शन सर्च का। आप इलेक्शन एक ऐसा मुद्दा है उसमें कितनी चीज़ें जरूर हैं कितने आपके पास जितने रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज हैं आपका ध्यान कितना है आपके पास जो भी जो है किस तरह का पावर है किस तरह का सिस्टम सब आप लगाना है और विदाउट एनी प्लान विदाउट एनी स्ट्रेटजी विदाउट एनी थॉट। तो हमने संजय जी मैं आपको कहना चाहूँगा कि सल की स्थापना की और एक हार्वर्ड ग्रेजुएट कर्नल मुकुल सक्सेना है लेकिन लीडरशिप सेल है हार्वर्ड में उससे वहाँ से उन्होंने पीजी किया है तो उन्होंने गाइड किया और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट की इलेक्शन 70-80% हमारा सही था जो भी अपने लोगों ने प्रिडिक्ट किया ये चीज़ का सीएम साहब से शेयर किया और वो बहुत ज़्यादा सही था। वोट में आइए आप करने का जज्बा होना चाहिए मेरा सबको भरोसा है नहीं खासकर इसलिए जो हमारे से अगर आप लोग स्टार्ट कर सकें सीरियस है से उसको ऐसे एक्सरसाइज हो गई उनको उनके मामला से का लेक्चर था संजय जी का लेक्चर था पाल जी का लेक्चर था उनको कहिए सात दिन आपको पढ़ाना है सात दिन इस तरह से बताएंगे इसका डिजाइनिंग करेंगे आगे जो बेस्ट हो विल नॉट फेल। तो ये इस तरह करिए वो 25 लाख कर रहे हैं तो 5 लाख के पैकेज में इसको अपने स्टूडेंट्स को मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट्स को और शेप करने की जरूरत है खासकर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पी जी स्टूडेंट्स को हमारा जो ये चाहे इलेक्शन सेल हो चाहे अलुमनाई मीट हो मैं 15 दिन पहले मेरे को पता लगा है कि जो एक साल से हमारा जो अलुमनाई सेल का ईमेल अकाउंट है वेबसाइट पे है उसको नहीं था हमारे पास प्रेसिडेंट है हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट है वाइस जनरल सेक्रेटरी है 10-10 मेंबर आए किसी ने खोला ही नहीं पासवर्ड ढूंढने लगा तो पासवर्ड नहीं होता तो उसका पासवर्ड क्रैक करवाया अंदर जाके देखा गया 272 ईमेल आई थी किसी का काम मैंने पी एच डी स्टूडेंट्स को लगाया 8-9 पी एच डी स्टूडेंट्स थे और दिन रात उन्होंने केवल 8 दिन के अंदर 1100 रजिस्ट्रेशन किए। मैं प्रोफेसर ऋषि राम महानंद राजनीति शास्त्र विभाग का अध्यक्ष हूँ और इस कार्यक्रम का संचालन कर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय आपका भूतपूर्व छात्र सम्मेलन चल रहा है इसी कड़ी में एक खंड है जो राजनीति शास्त्र विभाग के द्वारा आयोजित की गई है इसमें हमारा जितना भी छात्र हैं उनको आमंत्रित किया गया है और समय को देखते हुए कुछ छात्र आ पाए हैं। इसका जो मुख्य अतिथि की भूमिका पूर्व से हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पांडे जी का कार्यक्रम तय था लेकिन वो कोई भी कारणवश आ नहीं पाए तो हमारे विभाग में प्रोफेसर रजनीकांत पांडे जी हैं जो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति रहे हैं हम लोग उनको आग्रह किए और वो हमारे निवेदन को स्वीकार किए वो मुख्य अतिथि का भूमिका निर्वाह किए हमें आशीर्वाद देने के लिए कुलपति जी भी आए थे वो बहुत प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद भी दिए और जो भी अल्युमनाइज आए हैं वो अपना अपना जो पूर्व में अनुभव रहा है यह संस्था के साथ अपने शिक्षक के साथ वो हमारे बीच आज शेयर कर रहे हैं और हमें उनको भी अपील कर रहे हैं कि कैसे जिस मातृ संस्था से वह लोग अपने जीवन में किसी न किसी ऊँचाई को प्राप्त किए हैं उसके लिए भी वो क्या कर सकते हैं अपनी ओर से एक नैतिक दायित्व की तरह उनसे आग्रह कर रहे हैं
और वो लोग भी प्रसन्नतापूर्वक हमें जो भी सहायता का जरूरत है उसको देने के लिए तैयार हैं। और हमें इस सारे अनुभव को देख करके बहुत खुशी हो रहा है कि ये बहुत बहुत खुशी की पल है कि जब आज हम आज के दिन के विद्यार्थी के साथ अपने पूर्व छात्र भाइयों को जोड़ते हैं और इस विश्वविद्यालय का विभाग का एक भविष्य निर्माण करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। सांसद आदर्श ग्राम योजना की CDO इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों के साथ विकास भवन के सभागार में समीक्षा बैठक की, जिसके संबंध में CDO इंद्रजीत सिंह ने बताया कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जो गोरेपुर में गांव चिन्हित हुए हैं उसकी बैठक की गई है कि किस तरह से सांसद आदर्श ग्राम योजना में आए पैसों का सदुपयोग करके गाँव का विकास किया जा सके और एक मॉडल गाँव बनाया जा सके, जिसको देखते हुए सभी ग्राम प्रधान जनप्रतिनिधिगण आए हुए थे। इसमें आजीविका मिशन, आयुष्मान कार्ड सहित विभिन्न योजनाओं को उस गांव में रह रहे लोगों को लाभ दिलवाया जाएगा, जिसके कार्य योजना तैयार कर दिया गया है, जिस पर बुधवार से कार्य शुरू हो जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO इंद्रजीत सिंह ने कहा, SDM से आपको नहीं मिला था शौचालय समुदाय से चलने तो वहाँ जरूरत है इसकी समुदाय ये तो बात है। आप वो चीज करवाइए ना जिसकी आपको जरूरत है। आप सब जरूरत है और अगर आप बनाना भी चाहते हो जमीन उपलब्ध है आपको काम में भी सही पड़ेगा गाँव के समझ पूरे ये प्लानिंग आप कर लोगे किसी काम नहीं आएगी तो क्या फायदा सर? हमने RCC के लिए बोला था तो आपके खर्चा भी मेरे साथ नहीं सर। वो ये बोल सकते पंचायती राज से काम से बांटा कितना पंचायती राज में प्रधान जी बना आपने पंचायती राज से ये आपने 8,52,000 की नारी ली है। आज सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जो गोरखपुर में गांव चिन्हित किए गए हैं उनमें किस तरह से कन्वर्जेंस के माध्यम से और जो फंड उसमें आएगा उसको किस तरह से कार्य योजना बना के उस गांव को संपूर्ण तरीके से संतृप्त करना है सारी योजनाओं के अंतर्गत और उसको एक मॉडल गाँव कैसे बनाना है, इसके लिए सारे विभाग और जो जनप्रतिनिधि हैं प्रधान जी लोग वो लोग आए थे और एक मीटिंग की गई है और इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है कि किस तरह से हम लोग कार्य योजना बनाएंगे और उसका किस कन्वर्जन फंड से काम पूरा कराएंगे। इसके लिए जो ट्रेनिंग का पार्ट है उसमें SLWM है, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, और जो हमारा आजीविका मिशन है, आयुष्मान कार्ड बनने हैं, राशन कार्ड बनने हैं, इस तरह से विभिन्न विभिन्न योजनाओं को वहाँ किस तरह से संक्षिप्त करना है इसकी एक योजना बना के हमने एक कार्य स्टार्ट किया है। परसों से एक एक गाँव को बुला के हम लोग इस पर वर्क करेंगे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर में ईद पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। जिलाधिकारी ने कहा, सभी मस्जिदों पर सुरक्षा व्यवस्था का किया गया है कड़ा इंतजाम। मस्जिदों पर साफ सफाई के लिए नगर निगम को किया गया है निर्देशित। फर्जी कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने वाले फर्जी अध्यापक को STF गोरखपुर फील्ड इकाई ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 1600 रुपए नगद, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, 2 मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल।
गैंगस्टर में वांछित व 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को बेलघाट पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में अभियुक्त हुआ घायल, जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। एक देसी कट्टा, एक खोखा कारतूस, एक मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। ट्रैफिक पुलिस व आरटीओ की संयुक्त टीम ने पैडलेगंज चौराहे पर खड़े डग्गा मार बसों के खिलाफ चलाया अभियान। खड़ी डग्गा मार बसों का किया चालान व सीजर की कार्यवाही। जिले में चल रही गेहूं खरीद पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, गेहूं खरीद के लिए खोले गए 156 क्रय केंद्रों पर की जा रही है गेहूं की खरीद। केंद्रों की लगातार अधिकारी कर रहे हैं मॉनिटरिंग। बरसात में जनपद में पानी लगने की समस्या पर सीएम योगी हुए सख्त। नगर निगम चलाएगा 4 मई से लेकर 20 मई तक विशेष नाला सफाई अभियान। नगर आयुक्त ने कहा, सभी 256 नालों की होगी तल्ली झाड़ साफ सफाई। गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में प्रथम राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा, पुरातन छात्र सम्मेलन जैसे श्रेष्ठ परंपरा को बनाए रखने की है आवश्यकता। सांसद आदर्श ग्राम योजना की सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, योजना के तहत चयनित गाँव को बनाया जाएगा मॉडल गाँव। दो मई से लेकर 12 मई तक चलने वाले सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तीसरे चरण का सीएमओ ने किया शुभारंभ। कहा, लगभग 4,230 टीमें 24,000 बच्चों और 7,300 गर्भवती महिलाओं का करेगी टीकाकरण। सोमवार को सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज में सीसीटीवी की निगरानी में हाई स्कूल के गणित विषय की कॉपियों का किया गया मूल्यांकन। प्रधानाचार्य ने कहा, कॉपियों के मूल्यांकन के लिए 798 परीक्षक, 82 डिप्टी हेड की लगाई गई है ड्यूटी। और कोरोना महामारी के 2 साल के बाद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा ईद उल फितर का पर्व। चांद रात पर लोगों ने की जमकर खरीदारी। हजरत मुबारक खान शहीद दरगाह के इमाम मौलाना मनोवर रजा ने कहा, 3 मई को पूरी दुनिया में मनाई जाएगी ईद उल फितर का त्योहार। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। Conditions apply.
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए, दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोमवार को बसंतपुर स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तीसरे चरण का शुभारंभ सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने फीता काट कर किया, जिसमें सीएमओ ने छोटे बच्चों को दवा पिलाई। इसके बाद रुखसाना खातून ने गर्भवती महिला का गोद भराई भी किया। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की तरफ से पोषण संबंधित स्टॉल भी लगाया गया था, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि सघन मिशन इंद्रधनुष का तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया, जो 2 मई से लेकर 12 मई तक यह अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो बच्चे कोरोना महामारी के दौरान टीकाकरण से वंचित रह गए या गर्भवती महिलाएं टीकाकरण से वंचित रह गई थी, उनको संतृप्त करना है। इस मिशन में लगभग 4230 टीम गठित की गई है और 24,000 बच्चों को टीकाकरण किया जाएगा। 7,300 गर्भवती महिलाओं का भी टीकाकरण किया जाएगा। वहीं बसंतपुर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज पल्लवी श्रीवास्तव ने बताया कि सघन मिशन इंद्रधनुष का तीसरा चरण पूरी उत्सव के साथ मनाया गया है और एक गर्भवती महिला का गोद भराई किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि पूरी सुविधा जनता को दें और इसी तरह से उत्सव के साथ हर अभियान का स्वागत करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बसंतपुर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज पल्लवी श्रीवास्तव एवं सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, खोलो बेबी, जग जाओ, जगत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कौन सा है? असुरों की बड़ी भीड़ भाई, बेबी आओ, क्या है? चल भाई, ये आँख खोल। ये बोलो, ले लो बेबी, बस हो गया, चलो। ये थोड़ा सा पीस हो गई, बारे में बता रहे हैं।
नाराज ना हो, नाराज ना हो, ऐसे ले लीजिए निशाद जी, ऐसा ले लीजिए। ओह भाभी बुला के देखो, पढ़ाती हैं क्या है? हाँ, उसके बैठने बात करो। एक पीडियाट्रिशियन सर्जन है चोरी चौरा से, एक पीडियाट्रिशियन बताना होगा। मैं डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव बसंतपुर के मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हूँ। आज मिशन इंद्रधनुष 4 का तीसरा चरण था और आज हमने इसका पूरी तरह एक उत्सव की तरह से मनाया है, जिसमें हमने पहले हमारे मुख्य अतिथि सीमो सर को से रिबन कटवाया, जिसमें उन्होंने एक छोटे से बच्चे के हाथ से रिबन कटवाए। वो वाकई बहुत काबिल तारीफ था कि जिसके लिए ये प्रोग्राम है उसको सर्वप्रिय हमने इम्पोर्टेंस दिया। उसके बाद से सर ने हमारे छोटे बच्चों को, जिसमें हमने अपने ड्यूलिस्ट में मेंटेन किया हुआ था, जो भी हमारे एरिया के बच्चे हैं छूटे हुए बच्चों, उनको सर ने पोलियो की ड्रॉप पिलवाई। उसके बाद से हमारा अगला जो प्रोग्राम रखा हमने हमारी आंगनवाड़ियों के तरफ से था, जिसमें हमने एक छोटे से बच्चे का अन्नप्राशन कराया, जो कि वाकई हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि जितने भी हमारे अभियान चल रहे हैं, जिस तरह से हम लोग ई कवच पे सैम और मैम के बच्चों का एंट्री कर रहे हैं, हमने उन बच्चों को भी इस आयोजन के दिन बुलवाया। उसके साथ साथ एक गर्भवती महिला का हमने गोद भराई किया। तो वाकई ये एक ऐसा उत्सव की तरह से हमने मनाया है जो कि सीरियसली हमें बहुत अच्छा लगा, और हम कोशिश यही करेंगे कि अपनी तरफ से हम पूरी सुविधा जनता को दें और इसी तरह से हम उत्सव मना के हर अभियान का स्वागत करें। 4 के तीसरे चरण का आज शुभारंभ किया गया है, ये आज से लेकर के 12 तारीख तक किया जाएगा। इसका हमारा उद्देश्य यह है कि जो कोविड महामारी के दौरान जो हमारे बच्चे टीकाकरण से वंचित रह गए थे, या जो हमारी गर्भवती माताएं अपने टीकाकरण से वंचित रह गई थी, उनको संतृप्त करना। और अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो लगभग 4230 हमारी इसमें टीमें बनी हुई हैं, और इसमें करीब 24,000 बच्चों को टीकाकरण करना है और लगभग 7,300 गर्भवती माताओं का टीकाकरण कराया जाना है। इसमें हमारे यहाँ हमारी जो आंगनवाड़ी बहनें हैं वो गांव-गांव घर-घर जाकर के जो लाइन लिस्टिंग पहले से की जा चुकी है उन बच्चों को खोजेंगी और उनका टीकाकरण करेंगी। सेंटर ड्यूज इंटर कॉलेज में सोमवार को सीसीटीवी की निगरानी में हाई स्कूल गणित की कॉपियों का मूल्यांकन किया गया, जिसके संबंध में सेंटर ड्यूज इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आरवी सिंह ने बताया कि प्रदेश में 23 अप्रैल से कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य हो रहा है, जिसमें सभी व्यवस्था विभाग के द्वारा दी गई है, जिसमें माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक ही कॉपियों का मूल्यांकन कर रहे हैं, जिसमें विभाग द्वारा 798 परीक्षक 82 डिप्टी हेड को दिया गया है, जिससे कॉपियों का मूल्यांकन जल्दी हो रहा है। उन्होंने कहा सभी परीक्षक सीसीटीवी की निगरानी में कॉपियों का मूल्यांकन कर रहे हैं और सभी कमरों में पानी की व्यवस्था कराई गई है। सुरक्षा के दृष्टिगत विद्यालय पर 2 कांस्टेबल तैनात हैं जो 24 घंटे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परीक्षक मिथिलेश कुमार सिंह एवं सेंटर ड्यूज इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आरबी सिंह ने कहा, भाई
साथ निकल जाएगा लग रहा है। मिथिलेश कुमार सिंह, हाई स्कूल गणित। हाँ, कब तक क्या मूल्यांकन समाप्त हो गया गणित का, और आज जो है कि पावना भरा जा रहा है उसका। किस तरह से सर चेक किया जा रहा है? काफ़ी चेक तो स्टेप बाय स्टेप देखा जाता है, फार्मूला भी देखा जाता है। अगर फार्मूला सही है तो उस पर भी नंबर हाफ या एक नंबर जैसा भी क्वेश्चन होता है उसके हिसाब से दे दिया जाता है। मैं RB सिंह, प्रधानाचार्य सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज गोरखपुर। सर हाई स्कूल में काफ़ी बार मूल्यांकन हो रहा है, सर किस तरह से हो रहा है, अध्यापक लगे? ये उत्तर प्रदेश में 23 तारीख से मूल्यांकन कार्य परिषद के निर्देशानुसार चल रहा है, और जितने भी ज़्यादातर अब इस साल जो है ये व्यवस्था परिषद के द्वारा दी गई है कि जो परिषदीय इसमें हमारे माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक गण हैं वही लोग कापी का मूल्यांकन कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे केंद्र पर अक्सर मैंने बीच में न्यूज़पेपर में देखा कि कुछ हमारे शिक्षक साथियों ने कुछ कमी का उजागर किया, उस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि मैंने जब कंसेंट दिया था तो 500 परीक्षक और 50 डिप्टी हेड का मैंने दिया था, परंतु परिषद द्वारा किन परिस्थितियों में किन कारणों से हमें दिए गए हैं 798 परीक्षक और 82 डिप्टी हेड। इस नाते थोड़ा सा इसमें बैठने में असुविधा लोगों को हुई, और जिसका दो बार मैंने देखा कि अखबार में हमारे कुछ शिक्षक साथियों ने मतलब उसको छापा भी था। सर क्या क्या व्यवस्था है? व्यवस्था की जहाँ तक बात है, सारे परीक्षक हमारे CCTV कैमरे में बैठे हुए हैं, और पंखे लगे हैं, पानी की समुचित व्यवस्था है, बल्कि एक हॉल हमारे पास है, परीक्षक अधिक होने के कारण उनको हॉल में बैठाया गया था जो टीन सेट का है, उसमें 10 पंखे लगे हैं। बीच में हमारे अधिकारियों के द्वारा एक आदेशित किया गया कि कुछ और व्यवस्था की जाए, तो वहाँ कूलर इत्यादि की भी हमने व्यवस्था करी थी। जो संस्कृत विषय के परीक्षक उसमें काफ़ी जाँच रहे थे, संस्कृत का मूल्यांकन कल ख़त्म हो गया है, अब लोग चले गए हैं यहाँ से। कोरोना महामारी के 2 साल के बाद इस साल ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। आपको बता दें कि चांद रात पर घंटाघर रेती तथा समारोह में लोगों की भीड़ दिखी, लोगों ने जमकर खरीदारी करते हुए नजर आए। इस संबंध में हजरत मुबारक खां शहीद दरगाह के इमाम मौलाना मनोवर रजा ने बताया कि आज रमजान की 30 तारीख है और 3 मई को पूरी दुनिया में ईद मनाई जाएगी, तथा मुबारक खां शहीद दरगाह के ईदगाह में मंगलवार को सुबह 8 बजे नमाज अदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि रमजान के दौरान धूप गर्मी ज्यादा थी, लेकिन अल्लाह की तौफीक से आराम और शानदार तरीके से रोजे को बिताया। चांद रात के संबंध में उन्होंने बताया कि जब चांद रात में निकल गया उसी को चांद रात कहा जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हजरत मुबारक खां शहीद दरगाह के इमाम मौलाना मनोवर रजा ने कहा, आगे चला।
आइए केवल 200 मेरा नाम मनोवर रज़ा, मैं जामा मस्जिद मुबारक खां शहीद का इमाम हूँ, पेशे इमाम जी। आज 30 तारीख है रमज़ान की और चांद हो जाएगा और कल यकीनन ईद मनाई जाएगी पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ इस हिसाब से ईद मनाई जाती है। और यहाँ मुबारक खां शहीद में ईद की नमाज़ 8 बजे अदा की जाएगी ईदगाह में, और मुल्क मिल्लत के लिए दुआ भी की जाएगी इंशाअल्लाह रहमान। शांति और संजीदगी के साथ अलविदा की तरह ईद की भी नमाज अदा की जाएगी। पूरे 30 दिन का रोजा बीत गया, किस तरह का रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, धूप और गर्मी तो थी लेकिन अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की तौफीक से हम लोगों ने बड़े शानदार तरीके से, बड़े आराम और सुकून के साथ पूरे रोज़े को बिताया। उसका एहसान है अल्लाह का, हर इबादतें और हर नमाजें अदा की गई। कई सालों के बाद सहूलत के साथ ये रमज़ान हमारा गुजरा, अल्लाह का शुक्र है, एहसान। चांद रात कितने बजे तक हो? चांद रात कहते हैं कि आज चांद निकल गया, इसीलिए इसे चांद रात कहते हैं। तो आज 30 तारीख है तो बस वैसे इसका चांद रात नाम है, और रात चांद की होती है, दिन में त्यौहार है, ईद की नमाज अदा की जाएगी। और चांद रात सिर्फ इसलिए है कि आज चांद निकलेगा तो इसे चांद रात कहा जाता है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर में ईद पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। जिलाधिकारी ने कहा सभी मस्जिदों पर सुरक्षा व्यवस्था का किया गया है कड़ा इंतजाम। मस्जिदों पर साफ सफाई के लिए नगर निगम को किया गया है निर्देशित। फर्जी कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने वाले फर्जी अध्यापक को एसटीएफ गोरखपुर फील्ड इकाई ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 1600 रुपए नगद, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, 2 मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। गैंगस्टर में वांछित व 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को बेलघाट पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में अभियुक्त हुआ घायल, जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। एक देसी कट्टा, एक खोखा कारतूस, एक मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। ट्रैफिक पुलिस व आरटीओ की संयुक्त टीम ने पैडलीगंज चौराहे पर खड़े डग्गा मार बसों के खिलाफ चलाया अभियान। खड़ी डग्गा मार बसों का किया चालान व सीजर की कार्यवाही। जिले में चल रही गेहूं खरीद पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा गेहूं खरीद के लिए खोले गए 156 क्रय केंद्रों पर की जा रही है गेहूं की खरीद। केंद्रों की लगातार अधिकारी कर रहे हैं मॉनिटरिंग। बलसात में जनपद में पानी लगने की समस्या पर सीएम योगी हुए सख्त। नगर निगम चलाएगा 4 मई से लेकर 20 मई तक विशेष नाला सफाई अभियान। नगर आयुक्त ने कहा सभी 256 नालों की होगी तल्ली झाड़ साफ सफाई। गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में प्रथम राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा पुरातन छात्र सम्मेलन जैसे श्रेष्ठ परंपरा को बनाए रखने की है आवश्यकता। सांसद आदर्श ग्राम योजना की सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा योजना के तहत चयनित गाँव को बनाया जाएगा मॉडल गाँव।
2 मई से लेकर 12 मई तक चलने वाले सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तीसरे चरण का सीएमओ ने किया शुभारंभ। कहा, लगभग 4230 टीमें 24,000 बच्चों और 7,300 गर्भवती महिलाओं का करेगी टीकाकरण। सोमवार को सेंट्रल ड्यूज इंटर कॉलेज में सीसीटीवी की निगरानी में हाई स्कूल के गणित विषय की कॉपियों का किया गया मूल्यांकन। प्रधानाचार्य ने कहा, कॉपियों के मूल्यांकन के लिए 798 परीक्षक 82 डिप्टी हेड की लगाई गई है ड्यूटी। और कोरोना महामारी के 2 साल के बाद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा ईद उल फितर का पर्व। चांद रात पर लोगों ने की जमकर खरीदारी। हजरत मुबारक खान शहीद दरगाह के इमाम मौलाना मनोवर रजा ने कहा, 3 मई को पूरी दुनिया में मनाई जाएगी ईद उल फितर का त्योहार। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।